हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईज माई ट्रिप एंड थॉमस कुक शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ईज माई ट्रिप का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है तो रिजल्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग टेक्निकली लेवल्स को भी देखने वाले हैं। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर ईज माई ट्रिप के ऊपर बात करेंगे, स्टॉक में आज 1.5% का उछाल देखने को मिला। इनिशियली स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक ने इंट्राडे में 40 रुपीज से ऊपर का भी हाई लगाया, बट उसके बाद स्टॉक में वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और फाइनली स्टॉक जो है 1.5% ऊपर सेटल हुआ है। अगर हम लोग लास्ट वन मंथ में देखेंगे तो स्टॉक जो है लगातार आपको डाउन ट्रेंड में है, 3.25% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक 16.5% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे इम्पोर्टेंट चार्ट्स, जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है या फिर आपको कोई ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट हो रहा है, कोई इम्पोर्टेंट मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, साथ ही साथ डेली बेसिस पे जहाँ पे भी मोमेंटम होता है उन सभी चार्ट्स को हम लोग यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको ट्रेडिंग आइडियाज मिलते रहे। इसके साथ ही डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर ट्रेडिंग में हेल्प मिलता रहे। इनकेस अगर आपके पास समय नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप मार्केट को समय नहीं दे पा रहे हैं, आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, कहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करना है, साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे ट्रेल करना है, एवरीथिंग आपके साथ डिटेल में शेयर किया जाएगा। और ये इंट्राडे के लिए नहीं होगा, स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये इंट्राडे के लिए नहीं होगा, ये आपका स्विंग बेसिस पे होगा। हो सकता है इंट्राडे में टारगेट आ जाए तो वो मार्केट के ऊपर है, बट ट्रेड को आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो इसी वजह से ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा, जिससे कि आपका समय भी कम लगेगा और आपके ऊपर प्रेशर भी कम रहेगा और आप इजीली ट्रेड को मैनेज भी कर सकते हैं। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपका सभी क्वेरी का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं ईज माई ट्रिप शेयर के ऊपर। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रहा। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे लॉस किया था, जो कि अगर आप देखेंगे तो कभी भी जो है इस कंपनी ने आपको लॉस नहीं किया था। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने काफी सारे एग्रेसिव एक्विजिशन किए थे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। बट अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो वापस से कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है, एक अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक अच्छा जंप है, 10 करोड़ के लॉस से 34 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी ने 26 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, अभी 34 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, यानी कि यहाँ पे 33% से ज्यादा का जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। सेल्स की अगर बात करेंगे तो नो डाउट काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन कंपनी ने किया है, साथ ही साथ कई सारे टाई अप्स भी किए हैं। स्पेशली अगर बात करेंगे तो इस क्वार्टर में जो है जो दुबई का ऑपरेशन है, वहां से एक अच्छा जंप देखने को मिला, 139% का रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला। साथ ही साथ कई सारे जो इम्पोर्टेंट टाई अप्स हुए थे, अडानी डिजिटल लैब के साथ हुआ था, साथ ही और कई सारे कंपनीज के साथ हुआ था, कई सारी कंपनीज को एक्वायर भी किया गया था, तो उन सभी का इफेक्ट जो है आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग सेल्स की बात करेंगे तो ओवरऑल सेल्स में तकरीबन 2.5 से 3% का जंप देखने को मिल रहा है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है इविटा मार्जिन में वापस से कंपनी ने एक अच्छा जंप किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इविटा मार्जिन कॉन्स्टेंट है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, जो कि मार्केट कभी भी पसंद करता है किसी भी कंपनी के बिजनेस में अगर मार्जिन एक्सपेंशन होता है। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट जो है वो आपको काफी अच्छा रहा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी जो है वो आपको डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो एज ऑफ जून क्वार्टर की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, प्रमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है 64.3% का। एफआईआई के पास 2.57% है। एफआईआई ने यहाँ पे मार्जिनली अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, जितना एफआईआई ने बेचा है तकरीबन उतना ही डीआईआई ने बाई किया है। रेस्ट जो है यहाँ पे 30.54% पब्लिक के पास है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ईज माई ट्रिप के टेक्निकल लेवल्स के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिला है। जब से स्टॉक में स्प्लिट हुआ था उसके बाद से लगातार जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। अभी स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग कई बार इस लेवल को डिस्कशन कर चुके हैं, 37 रुपीज का लेवल। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल इस स्टॉक के लिए है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो है। स्टॉक यहाँ पे तकरीबन 3 to 4 month टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद जंप किया, वापस से अगेन सेम लेवल को टच करता हुआ दिख रहा है। 39.69 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आपको 25 to 30% का फॉल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है 30 रुपीज के लेवल तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट पे अगर हम लोग सेम लेवल्स को देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली जो है 37 रुपीज पे नीचे की साइड में सपोर्ट है और ऊपर की साइड से जो है आपको ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है। तो क्लियर है जो जब तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक जो है आपको इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग नहीं करना है। इनकेस अगर आपके पास पोजिशन है ऊपर के लेवल पे आपने लिया हुआ है तो आपको एवरेज भी नहीं करना है। कई सारे लोग ये गलती करते हैं, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तभी एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आपको एवरेज नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है जो ये लेवल यहाँ पे डिफेंड होगा या नहीं होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे डिफेंड नहीं होता है तो जोरदार गिरावट देखने को मिल सकता है। तो बेटर है यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, वेट करेंगे, और एक बार अगर स्टॉक यहाँ पे आपको बाउंस बैक करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर आपका पोजीशन ऊपर के लेवल पे है या फिर अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है थॉमस कुक। स्टॉक ने बहुत ही जोरदार रिटर्न बना के दिया, एक बहुत ही प्यारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला था। और यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने 100 रुपीज के लेवल के ऊपर एक अच्छा आपको ब्रेकआउट दिया था। इस स्टॉक को भी लगातार हम लोगों ने कवर किया था और प्रीमियम ग्रुप में भी इस स्टॉक को शेयर किया गया था। यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद जो है स्टॉक ने 86 रुपीज के लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। मंथली कैंडल जो है वो आपको 100 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ था और उसके बाद से लगातार स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। स्टॉक कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं किया है। अगर आपके पास स्टॉक है तो इस स्टॉक इस शेयर होल्डर के लिए जो है वो आपको एक अच्छा न्यूज है। यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलने वाला है 60 पैसे पर शेयर का, 20 पैसे का जो है आपको डिविडेंड और 40 पैसे का डिविडेंड प्लस 20 पैसे का जो है एक्स्ट्रा आपको फाइनल डिविडेंड दिया जा रहा है। टोटल जो है वो आपको 60 पैसे पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, जो कि 16th of August जो है वो आपको एक्स डेट है, यानी कि फ्राइडे के सेशन में एक्स डिविडेंड ये स्टॉक ट्रेड करने वाला है। अगर हम लोग लेवल्स की बात करेंगे तो स्टॉक जो है अपने इंपॉर्टेंट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे जो है स्टॉक ने आपको ब्रेकआउट दिया था, एक अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला था 2018 के बाद, इसी लेवल को रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर 200 के लेवल के नीचे स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में भी एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है अभी के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक क्लियरली अपने इस ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है, वेट करना है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो वापस से तेजी देखने को मिल सकता है, और अगर बाउंस बैक नहीं सस्टेन करता है, स्टॉक 200 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर आपको 150-160 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।